नमस्कार, मैं पूर्णिमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय के स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में नगर एवं ग्राम रक्षा समिति की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक एवं समस्त पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जिले भर से आए हुए नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यगण उपस्थित रहे। उद्बोधन के दौरान जहाँ पुलिस अधीक्षक अधिकारियों ने अपने विचार रखे, वहीं नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने भी कार्य के दौरान हो रही समस्याओं को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से साझा किया। पुलिस अधीक्षक असित यादव ने समिति के सदस्यों को संवाद के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि अपने काम को बड़ी निष्पक्षता से करें। समिति के आप सभी लोग कई ऐसा अच्छा काम करें कि मैं मजबूर हो जाऊं आपको पुरस्कार देने के लिए। उन्होंने कहा कि काम के दौरान अगर किसी सदस्य को कोई परेशानी आती है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। आदरणीय मंच में बैठे हुए अधिकारी गण को और रक्षा समिति 74 वर्ष हो चुके हैं, कितने न ग्राम सुरक्षा समिति आए होंगे और कितने चले गए हैं। भूखा पेट कहाँ तक काम करेगा, भूखा पेट कहाँ तक काम करेगा, जब पेट में कुछ ही न रहेगा तो आगे दौड़ेगा कहाँ से। अपन भी तो इस जिला के सक्रिय कार्यकर्ता जो कि उमरिया जिला से नंबर 1 का मानपुर ब्लॉक में स्टैंड हुआ था कि नंबर 1 की ड्यूटी किए जा रहे हैं, क्योंकि समय रहते अगर किसी घटना की कोई सूचना मिल गई जो घटना घटित होने वाली है तो ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता होगी। क्योंकि पुलिस के केवल दो ही काम है, प्रिवेंशन और डिटेक्शन। प्रिवेंशन मतलब अपराध को रोकना, जो अपराध होने वाला है उसको पहले रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ताकि अपराधी को पकड़ करके उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। शासन ने क्यों ये आयोजन रखा, क्यों आपको समिति का सदस्य बनाया गया, इसमें मुख्य रूप से सामुदायिक जो पुलिसिंग का एक कंसेप्ट है कि समुदाय के साथ पुलिस मिलकर काम करे, हर पुलिस अधिकारी को समुदाय के लोग पहचाने, कोई बीच में दूरी ना रहे। पहले हम सोचते थे कि हर जिले में कोई गोपनीय सैनिक मिलता था हमें या नगर रक्षा समिति का सदस्य मिलता था, वो बताता साहब मैंने वो लूट खुलवाई, वो मैंने वो अंधा कत्ल खुलवाया, मुझे 1 साल हो गया, मुझे अभी भी किसी नगर रक्षा समिति ने कोई ऐसी चीज करके नहीं दिखाई। तो आप लोग ऐसा कुछ काम करो जिससे मैं मजबूर हो जाऊं, नहीं ये आदमी काम का है। लेकिन नौकरी आजकल सीधे तरीके से लेना बहुत ही कठिन कार्य है, पर ये भी एक चैनल है, 15-20 लोग जो है उनको हम रख सकते हैं। अभी जैसे आ रहा है अभी अपने यहाँ पे मुहर्रम का भी त्यौहार है, जो मुहर्रम का भी जो कार्यक्रम है ये है, गणेश चतुर्थी भी है, तो इस समय आप लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। देखिए आप लोग इस सोसाइटी का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ है, जैसे हो सकता है कि पुलिस को ना पता चले या कोई ऐसा लग रहा है आपको कहीं गड़बड़ी हो सकती है, तो बहुत से जिले जहाँ पर मैंने काम किया है, ग्वालियर हो गया, उज्जैन हो गया, वहाँ पे नगर रक्षा समिति के सदस्य होते हैं, वो तो रात्रि गश्त भी करते हैं। गांव में महिला को किसी कारोबार को जैसे वो आते हैं, मुलजिम आते हैं पकड़ना है, और आने गांव के आते हैं बाहरी आते हैं उनको पकड़ना है, अपने थाना प्रभारी को बताना है, सजगता देना है, सब ये कारोबार सब के बारे में, ग्राम सुरक्षा के बारे में कहाँ क्या करना है। हम लोग के काम दिया गया है कि गांव में कोई भी कुछ आए दंड दिया जाए किसी का, तो सबको कुछ लिख के देना। आज तक जो हमारी ग्राम सुरक्षा समिति सो रही थी, पुलिस बल ने आगे जगाने की कोशिश कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं, और यही चाहते हैं कि ग्राम सुरक्षा समिति एवं नगर सुरक्षा समिति और पुलिस बल हम एक मिलकर एक होकर के और मध्य प्रदेश संपूर्ण मध्य प्रदेश में काम करें। ग्राम और नगर रक्षा समिति के सदस्यों को बुलाया गया है, इसका एक मुख्य पर्पस ये भी है, क्योंकि जो जितने भी ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति में जो भी सदस्य रहते हैं, ये हमारे एक समाज से निकल के आते हैं, और आने वाले दिनों में जैसे त्यौहार हैं, मुहर्रम भी है और गणेश चतुर्थी है,
काफ़ी सारी जानकारी इनको रहती है और पुलिस को काफ़ी सपोर्ट भी करती है। तो एक उन्हीं से एक संवाद उनको उनके दायित्व बताए गए और उनसे बताया गया कि पुलिस से उनकी अपेक्षा क्या क्या है, इस बारे में उनसे पूछा गया और एक बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आज का एक सम्मेलन किया। हमारे संवाददाता शर्मा सितेंद्र की खास रिपोर्ट।